अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आधी रात में इंसान की आंख क्यों खुलती है। तो इसकी दो वजह होती हैं, बेवजह नहीं खुलती बल्कि दो वजह होती हैं। एक तो ये कि क्यों खुलती है और दूसरी ये कि अगर आंख खुलती है तो हमें क्या करना चाहिए। ये दो वजह होती है इंसान की आधी रात में आंख क्यों खुलती है। पहली वजह समझ रहे, इसकी दो वजह होती हैं। पहली वजह ये कि एक तो ये कि आंख क्यों खुलती है और दूसरी वजह ये अगर खुल गई है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। अब आइएगा इस पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, इंशाल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। तो देखिए गुनियतु तालिबीन में और बुखारी और मुस्लिम शरीफ के हवाले से ये लिखा हुआ है, हदीस पाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा सोता है, जाहिर सी बात है जब कोई बंदा रात को सोता है तो शैतान उसके सर पर तीन गिरे लगा देता है। तीन गिरे यानी तीन गांठें लगा देता है। क्यों गांठें लगाता है? कि बस ये बंदा सोता रहे, उठे नहीं, इसलिए वो गांठें लगा देता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब शैतान तीन गिरे, तीन गांठें इंसान के सर पर लगा देता है तो आका इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदे की आंख खुलती है और वो उठते ही अल्लाह का जिक्र करने लगता है, यानी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो अल्लाह का जिक्र करने लगता है तो शैतान की एक गांठ खुल जाती है। आका फरमाते हैं कि जैसे उसकी आंख खुली तो आंख खुलने के फौरन बाद उसने क्या किया, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उसने अगर अल्लाह का जिक्र कर लिया तो शैतान की एक गांठ खुल जाती है। और आगे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फिर उठकर बंदा वुजू बना लेता है। जैसे उसकी आंख खुली, उसने अल्लाह का जिक्र किया, फिर उसके बाद में एक गांठ खुल गई, अब उसने उठने के बाद में वुजू किया। क्यों? इसलिए कि उसकी नीयत है कि भाई मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा। तो उसने उठ करके जब वुजू किया और जब बंदा वुजू कर लेता है तो फिर उसकी शैतान की दूसरी गांठ भी खुल जाती है। अब वुजू करने के बाद जब बंदा तहज्जुद की नमाज या फजर की नमाज पढ़ लेता है तो शैतान की तीसरी गिरह भी खुल जाती है, यानी तीसरी गांठ भी खुल जाती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा उठ करके वुजू कर लेता है और नमाज पढ़ लेता है, चाहे वो तहज्जुद की नमाज पढ़े या फिर फजर की नमाज पढ़े, तो फिर उसकी तीनों बंदिशें खुल जाती हैं, तीनों गांठें खुल जाती हैं, फिर शैतान उसके आगे हार जाता है, शिकस्त खा जाता है, यानी शैतान बंदे के आगे हार जाता है। और लेकिन इसी हदीस पाक में यह भी बयान किया गया है कि जब बंदा उठ के दोबारा सो जाता है, जैसे मान लीजिएगा आधी रात में आंख खुली और आंख खुलने के बाद में उसने देखा कि यार अभी तो टाइम बहुत है, फिर दोबारा सो गया। आंख तो खुली थी और बहुत सारे लोगों की आंख खुलती है, लेकिन जब उसने टाइम देखा तो फिर सो गया। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा उठ के दोबारा सो जाता है तो वो फिर सोता ही रहता है, और वो फजर में भी कभी कभी ऐसा होता है कि उठ नहीं पाता है। क्यों? इसलिए कि शैतान ने उसके सर पर तीन गांठें लगा रखी होती हैं। लेकिन जब बंदे की आधी रात में आंख खुलती है और आंख खुलने के बाद में वो अल्लाह का जिक्र कर लेता है तो उसकी एक गांठ खुल जाती है। दूसरी बात यह कि जब वो वजू कर लेता है तो दूसरी गांठ भी खुल जाती है, और तीसरी बात यह कि जब वो नमाज पढ़ लेता, चाहे वो तहज्जुद की नमाज पढ़े, तो उसकी तीसरी गिरह भी खुल जाती है, यहां तक कि वो फजर तक सोता रहता है, फजर में भी नहीं उठता है। फिर उसका पूरा दिन उसके ऊपर मनहूसियत छाई रहती है, क्योंकि वो शैतान के आगे हार जाता है, क्योंकि वो शैतान के आगे हार जाता है। अब जाहिर सी बात है, देखिएगा दो चीजें हो गई। पहली चीज ये, अगर बंदे की आंख आधी रात में खुली, उसने उठकर के अल्लाह का जिक्र किया, पहली गांठ खुल गई, और वुजू कर लिया, दूसरी गांठ खुल गई, तहज्जुद की नमाज पढ़ ली, तीसरी गांठ शैतान की खुल गई। अब वहां पर शैतान हार गया, बंदे के आगे वहां पर शैतान हार गया, और बंदे की जब आधी रात में आंख खुली और उसने टाइम देखा और फिर से दोबारा सो गया,
तो फिर वो सोता ही रहता है, फजर की नमाज भी उसकी छूट जाती है, पूरा दिन मनहूसियत उसके ऊपर छाई रहती है, तो फिर शैतान के आगे इंसान हार जाता है और शैतान जीत जाता है। अब आइएगा, देखिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान के पास कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो नाक में डालने की हैं और कुछ चीजें चटाने की होती हैं और कुछ चीजें छिड़कने की भी होती हैं। तो देखिएगा, जब बंदे को वो चटाने वाली चीज को चटा देता है तो उसकी जबान बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है, यानी जब भी वो दिन में किसी से बात करेगा तो गाली बक के बात करेगा, अगर दिन में जब वो किसी से बोलेगा तो किसी की गीबत करेगा, जब भी वो दिन में किसी से बातचीत करेगा तो गंदी गंदी क्यों समझेगा, गालियां बकेगा, बुरे बुरे अल्फाज, बुरे बुरे जुमले, गंदे गंदे जुमले उसकी जबान से पूरा दिन निकलते रहेंगे। तो जब शैतान मीठी चीज किसी की जबान पर लगा देता है ना, तो फिर वो दिन भर बुराइयां, गीबतें, चुगलियां, गालियां, ये गंदे काम करता है, शराब पीता है, यानी जो भी चीजें होती हैं ये सब गंदे काम वो करता रहता है। हुजूर फरमाते हैं कि कुछ चीजें शैतान के पास छिड़कने की भी होती हैं, और जब वो इंसान के ऊपर छिड़क देता है तो फिर वो बंदा सुबह तक सोता रहता है, फजर में भी उसकी आंख नहीं खुलती है। लेकिन यहां पर एक बात आपको याद रखना है कि जब भी आपकी आंख खुले तो आपको अल्लाह का जिक्र कर लेना है, जब आप अल्लाह का जिक्र कर लेंगे तो उससे शैतान की गिरह खुल जाएगी और फिर आपकी आंख भी फजर में खुल जाएगी। हुजूर फरमाते हैं कि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह तबारा का वताला अपनी शान के मुताबिक नुजूल इजलाल फरमाता है, नुजूल इजलाल फरमाता है और ऐलान फरमाता है कोई मुसीबत ज़दा जो मुझसे ये फरियाद करे, मुझसे दुआ मांगे कि मैं उसकी मुसीबत को दूर कर दूं, है कोई बेरोजगार कि मैं उसे रोजगार अता करूं, है कोई परेशान हाल कि मैं उसकी परेशानी को दूर करूं, है कोई गरीब जो मैं उसकी गरीबी को दूर करूं, है कोई परेशानी में मुबतला बीमार कि मैं उसकी उसे बीमारी से शिफा अता फरमा दूं। इस तरीके से जो है रोजाना ऐलान होता है। आखिरी हिस्से में अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला रात के आखिरी हिस्से में नुज़ूल इजलाल फरमाता है अपनी शान के मुताबिक और ऐलान होता रहता है। लेकिन यहाँ पर लिखते हैं कि सहाबा इकराम रात के आखिरी हिस्से में इबादत करने को ज्यादा पसंद फरमाते थे, इसी वजह से पूरी पूरी रात जाग करके सहाबा इकराम और अल्लाह के वली रातों रात इबादत करते थे। रात में आंख जो खुलती है ये बेवजह नहीं खुलती, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कुछ देना चाहता है इसलिए आंख खुलती है। अब यहां पर इससे भी आपको ये मालूम हो गया, देखिएगा, रात में जो आंख खुली ये बेवजह नहीं खुली, इसलिए खुली कि अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमा रहा है और आपको कुछ देना चाहता है, आपकी मुसीबतों को दूर करना चाहता है, लेकिन बस आपको इतनी तकलीफ उठाना पड़ेगी कि उठ करके वुजू करके तहज्जुद की नमाज के लिए खड़ा होना पड़ेगा, फिर आप जो मांगेंगे इंशाल्लाह आपको मिलेगा। ये अल्लाह के नबी का फरमान है। लेकिन यहां पर एक बात मैं आपको और बता दूं, शैतान से हमें हारना नहीं है और हमें ये मालूम है कि शैतान हमारा खुला हुआ दुश्मन है, तो हमें उसको हराना है, हमें खुद को नहीं हारना है। तो रात में जो आंख खुलती है बेवजह नहीं खुलती, बल्कि अल्लाह हमें कुछ देना चाहता है इसलिए आंख खुलती है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, अगर आपकी आधी रात में आंख खुले तो फिर आप अल्लाह का जिक्र जरूर करें और तहज्जुद की नमाज पढ़ें ताकि शैतान आपके आगे हार जाए और आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।